इन इंटरस्टेक्ट में आज हम लोग चर्चा करेंगे डिसेबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्टी के बारे में। देखिए, डिसेबिलिटी ट्रस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलबी में भी आता है, अभी पीजीडीसी में भी, अब मेंस में भी चर्चा है डिसेबिलिटी ऑफ ट्रस्टी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सेक्शन 46 to 54 डील्स विद डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 46 to 54 इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 किसके बारे में चर्चा करता है? डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा करता है। धाराएं 56, 46 से 54 तक ट्रस्टी यानी न्यासधारी की निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा करती हैं। पहला है कि ट्रस्टी कांट रिनाउंस हिज ऑफिस। ट्रस्टी अपना पद छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। ट्रस्टी हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रस्ट कांट अपवर्ड रिनाउंस इट। देखिए, एक बार उसने अपना ट्रस्ट ट्रस्टी होना एक्सेप्ट कर लिया, ड्यूटी को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी पद ले लिया, तो फिर उसे छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, उसके 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, वो जा सकता है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रिक्शन इफ द बेनिफिशियरी इज कॉम्पिटेड टू ट्राई कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कंसेंट बाई वर्च्यू ऑफ स्पेशल पावर इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। यानी कब कब वो जा सकता है? आरंभिक क्षेत्र अधिकार वाले व्यवहार न्यायालय की अनुमति से, हितग्राहियों की अनुमति से, यदि वो सुविधा करने के लिए सक्षम है, न्यास विलेख में निर्दिष्ट किसी भी शक्ति के आधार पर। जनरल रूल क्या है कि न्यासधारी ने एक बार काम स्वीकार कर लिया तो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कब कब जा सकता है? आरंभिक क्षेत्र अधिकार वाले व्यवहार न्यायालय ने परमिशन दे दी हो, हितग्राहियों ने अगर सुविधा करने के लिए सक्षम हो परमिशन दे दी हो, या न्यास ट्रस्ट डीड में ही इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन किया गया है, तो वो अपने पद को छोड़ के जा सकता है। दूसरा डिसेबिलिटी है ट्रस्टी कांट डेलीगेट हिज ऑफिस। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 47 का क्या दिया हुआ है? ट्रस्टी कांट डेलीगेट हिज ऑफिस और एनी ऑफिस ड्यूटीज आइदर टू को ट्रस्टीज और टू स्ट्रेंजर अनलेस द इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट सो प्रोवाइड्स और द डेलीगेशन इज इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, द डेलीगेशन इज नेसेसरी, डी द बेनिफिशियरी इज बीइंग कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्स टू द डेलीगेशन। मतलब ट्रस्टी अपने काम को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, उसे खुद ही ये काम करना पड़ेगा, खुद ही वो ड्यूटी करनी पड़ेगी, यही बताया गया है सेक्शन 47 में। लेकिन वो कब ऐसा कर सकता है, अपने काम को डेलीगेट कर सकता है, उसे परिस्थितियाँ दी हुई हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट सो प्रोवाइड्स, इसका मतलब होता है कि जहाँ न्यास विलेख में इसके लिए कोई प्रोविजन किया गया है तो अपना काम डेलीगेट कर सकता है। बी द डेलीगेशन इज इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब जहाँ प्रत्यावेदन कारोबार के नियमित क्रम में है। तीसरा द डेलीगेशन इज नेसेसरी, जहाँ पर डेलीगेशन बड़ा जरूरी है, प्रत्यावेदन करना बड़ा जरूरी है। द बेनिफिशियर बीइंग कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट टू द डेलीगेशन, मान लीजिए कि जो बेनिफिशरीज हैं वो कॉम्पिटेंट करने में सक्षम है और उन्होंने अपने काम को डेलीगेट करने के लिए ट्रस्टी को परमिशन दे रखी है, तो अपने काम को डेलीगेट कर सकता है। जनरल रूल क्या है? ट्रस्टी कांट डेलीगेट हिज ऑफिस और ड्यूटीज, ठीक है। और कब ऐसा कर सकता है? जबकि न्यास विलेख में इसके लिए कोई प्रोविजन किया गया हो, जहाँ प्रत्यायोजन कारोबार के नियमित क्रम में हो, या जहाँ प्रत्यायोजन करना जरूरी हो, या जहाँ पर कि बेनिफिशियरीज कॉम्पिटेंट करने में कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट है और उन्होंने डेलीगेशन के लिए परमिशन दे दी हो। अगली डिसेबिलिटी की हम लोग चर्चा करते हैं, वो दिया हुआ है सेक्शन 48 में। अगली डिसेबिलिटी क्या है? को ट्रस्टी कांट एक्ट सिंगली, कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 48 में क्या दिया हुआ है? When there are more trustees than one, all must join in execution of trust, except where the instrument of trust otherwise provides. जबकि एक से अधिक न्यासधारी हैं, वहाँ सभी संयुक्त रूप से न्यास का काम करेंगे, न्यास का काम धाम देखेंगे, लेकिन इसका एक अपवाद है, उसी में दिया हुआ है। क्या अपवाद है आप देख सकते हैं? Where the instrument of trust otherwise provides, जबकि न्यास विलेख में अन्यथा उपबंध किया गया है। जनरल रूल क्या है कि सारे ट्रस्टी, अगर एक से ज़्यादा ट्रस्टी अपॉइंट है तो सारे ट्रस्टी मिलजुल करके काम करेंगे ट्रस्ट का। अपवाद क्या है? अगर ट्रस्ट डीड में कोई प्रोविजन है कि सिंगली भी काम कोई ट्रस्टी कर सकता है तभी कर सकता है, अदरवाइज सारे ट्रस्टी ट्रस्ट का काम मिलजुल कर करेंगे। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी है वो 4 है, सेक्शन 49 में दिया हुआ है। ट्रस्टी कांट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर आर्बिट्रेली। सेक्शन 49 में क्या दिया हुआ है कि ट्रस्टी कांट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर आर्बिट्रेली। मतलब वेयर डिस्क्रिशनरी पावर कन्फर्ड ऑन अ ट्रस्ट इज नॉट एक्सरसाइज रीजनेबली एंड इन गुड फेथ, सच पावर में बी कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब यदि न्यासधारी ने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग रीजनेबली और गुड फेथ में नहीं किया है तो क्या होगा? वहाँ ऐसी शक्ति का नियंत्रण आरंभिक क्षेत्र अधिकार वाले व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये धारा इस बात के लिए व्यवहार न्यायालय को अधिकृत करती है कि वो ट्रस्टी के डिस्क्रिशनरी पावर को कंट्रोल करे। क्या कहा गया है? यदि न्यासधारी ने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग युक्त रूपेण और सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो ऐसे शक्ति का नियंत्रण आरंभिक क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधान व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार रखने वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय ऐसी स्थिति में इंटरफियर करेगा और इस विवेकाधिकार की शक्ति को कंट्रोल करेगा, यही बताया गया है धारा 49 में।
अगला जो है, अगली डिसेबिलिटी है वो सेक्शन 50 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में दी गई। वो क्या दी गई है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस डिस्क्रिप्शंस टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट और ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एंटर्ड इनटू विद द बेनिफिशियरी और द कोर्ट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रस्टी हैज नो राइट टू रेम्यूनरेशन फॉर हिज ट्रबल स्किल एंड लॉस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग द ट्रस्ट। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू एनी ऑफिशियल ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल पब्लिक क्यूरेटर और पर्सन होल्डिंग अ सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में मैं इसे बोल दे रहा हूँ, हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है बट आप समझ जाएंगे। न्यास लिखत में अंतर्विष्ट प्रतिकूल अभिव्यक्त निर्देशों के या न्यास प्रतिग्रहित करते समय अतिग्राही या न्यायालय के साथ किए गए प्रतिकूल संविदा के अभाव में न्यासधारी को यह अधिकार नहीं होगा कि न्यास के निष्पादन में अपने परिश्रम कौशल समय की हानि के लिए पारिश्रमिक पाए। इस धारा की कोई भी बात राजकीय न्यायस्थारी महाप्रशासक लोकपालक या प्रशासन का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को लागू नहीं होगी। देखिए इसमें सिंपली बताया गया है कि ट्रस्टी अपने परिश्रम कौशल या समय की हानि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं पाएगा, ठीक है। उसे कोई सैलरी कर, उसे जो भी काम करना हो वो निःशुल्क ही करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है, कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे सैलरी दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा वो कब कर सकता है, जबकि ट्रस्ट डीड में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन हो। अगर ट्रस्ट डीड में कोई प्रोविजन है कि काम करने के लिए ट्रस्टी को सैलरी या रिम्यूनरेशन दिया जाएगा तब वो पा जाएगा, अदरवाइज वो नहीं पा सकता। छठा जो सिक्स्थ डिसेबिलिटी है वो है ट्रस्टी कांट यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। सेक्शन 51 में ये बताया गया कि ट्रस्टी मे नॉट यूज और डील विद ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट और एनी अदर पर्पस अनकनेक्टेड विद द ट्रस्ट। इसका मतलब होता है कि न्यासधारी न्यास संपत्ति को अपने खुद के लाभ के लिए या न्यास से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। इसका मतलब है इसके दो चीजें प्रोहिबिट की गई। पहली बात यह है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट को, देखिए ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है उससे भिन्न ऑब्जेक्ट के लिए वो यूज न कर सकेगा। ये ट्रस्टी मे नॉट यूज और डील विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट और एनी अदर पर्पस कनेक्टेड विद द ट्रस्ट। सिंपली दो चीज प्रोहिबिटेड, क्या क्या? ट्रस्टी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा और जिस पर्पज के लिए ट्रस्ट बनाया गया है उससे भिन्न पर्पज के लिए भी उसे यूज नहीं किया जाएगा। और सेवेंथ डिसेबिलिटी है ट्रस्टी और हिज एजेंट कांट बाय ट्रस्ट प्रॉपर्टी 1452 में दिया गया है नो ट्रस्टी हुज ड्यूटी इज टू सेल ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड नो एजेंट एम्प्लॉयड बाय सच ट्रस्टी फॉर द पर्पज ऑफ सेल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुट द सेम और एनी इंटरेस्ट देयर इन ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एजेंट फॉर अ थर्ड पर्सन। मतलब ये धारा 52 ट्रस्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मना करती है, क्लियरली मना करती है कि आप इस प्रॉपर्टी को मत खरीदिएगा। कोई भी न्यासधारी है उसका एजेंट जिसे न्यास की संपत्ति को बेचने की ड्यूटी दी गई है उस संपत्ति को अपने वो न तो प्रत्यक्ष रूप से और न तो अप्रत्यक्ष रूप से ही खरीद सकेगा, यानी न तो ट्रस्टी खरीद सकेगा उस प्रॉपर्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या न तो वह एजेंट ही खरीद सकेगा जिसे कि ट्रस्टी ने उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अपॉइंट किया है, न तो ये डायरेक्टली खरीद सकते हैं और न तो इनडायरेक्टली खरीद सकते हैं। देखिए ये उचित भी है क्योंकि यदि वो स्वयं खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि कम से कम मूल्य पे लेने की कोशिश करेगा। आठवां और लास्ट डिसेबिलिटी है वो है को ट्रस्टी मे नॉट लेंड टू वन ऑफ देमसेल्व्स सेक्शन 54। और ट्रस्टी और को ट्रस्टी हुज ड्यूटी इज टू इन्वेस्ट ट्रस्ट मनी और मॉर्गेज और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी मस्ट नॉट इन्वेस्ट इट ऑन मॉर्गेज बाई और ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ हिमसेल्फ और इन वन ऑफ हिज को ट्रस्टीज। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सहन्यासधारी अपने में से किसी को उधार नहीं दे सकेंगे। सहन्यासधारी अपनों में से किसी को उधार नहीं दे सकेंगे। वह न्यासधारी या सहन्यासधारी जिसका कर्तव्य बंधक या निजी प्रतिभूति पर ट्रस्ट प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करना है तो वह अपने या सहन्यासधारियों में से किसी एक के द्वारा बंधक या निजी प्रतिभूति पर उसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। मतलब कोई भी न्यासधारी या सन्यासधारी इसका कर्तव्य न्यास धन को बंधक या अन्य निजी प्रतिभूति पर इन्वेस्ट करना है उस धन को स्वयं अपने लिए या अपने सन्यासधारियों में से किसी के लिए बंधक पर या प्रतिभूति पर विनियोजित करने की क्लियर कट मनाही है।